शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। The choice is entirely yours. आप अपनी गाड़ी बनाइए, मैं अपनी लाइफ बना के आता हूँ। सुना था कि people fall in love, लेकिन आज पहली बार देख मिलिया। गौरव तो वाकई में बहुत अच्छा वाले बजाता है। मर्सिडीज में पसीना और पत्थर, कंपनी वालों को पता चल गया ना तो वो हम पे मान आनी का दावा कर देंगे। मुझे ये नहीं चाहिए धर्म चाचा, मुझे हौसला चाहिए। और ठंड रख पुत्र, ठंड रख। वो हौसले का कोई इंजेक्शन तो है नहीं जो मैं तुझे फटाफट लगा दूं। और दे दम तो चक दे फटे। और चलो भाई। क्या सोच रहे हो ब्रदर? कुछ खो देने का डर और कुछ पाने की तमन्ना, दोनों को एक साथ इतनी गहराई से कभी महसूस नहीं किया। हेलो सुभाष, लाइट अभी तक ऑन क्यों नहीं हुई? Who's on the line? Come on, come on, जल्दी करो। अरे, this is not a rehearsal, this is it. Come on, hurry up. Yeah? This is it. What the? Sorry यार, इस वक्त मुझे इसकी ज्यादा जरूरत है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो, मैंने डैड को कहा था मुझे यहाँ पर किसी किस्म की बेईमानी, रिश्वत। लिसन, मैं ये कंपटीशन अपने बल पे जीतना चाहता हूँ। यार ऋतिक, मैं तुम्हारे डैड की कंपनी में काम करने के अलावा थोड़ा बहुत गा भी लेता हूँ यार। अरे बहुत अच्छा गा लेते हो यार। गा लेते हो? नो, यू मीन तुम भी इस कंपटीशन में? ओह नो मैन, गिव मी द लक, गिव मी द लक, गिव मी द लक। क्रिश, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, खास करके गाने से पहले। क्रिश मेरे दोस्त, प्लीज तुम मुझसे कहो कि तुम यहां मेरा हौसला बढ़ाने के लिए आए हो, मुकाबला करने के लिए नहीं। मुझे मुकाबलों में हिस्सा लेने का कोई शौक नहीं। थैंक्स। लेकिन आज शायद मुकाबला अपने आप से है, अपने हालात से। भाइयों, आज आप लोग मुझे पूरी तरह कुवारा मारने का इंतजाम करके आए हो। मार दिया। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम मिनी माथुर, योर होस्ट फॉर द इवनिंग, एंड वेलकम टू द पास पास वॉइस ऑफ द ईयर कॉन्टेस्ट। कहते हैं तानसेन की तानसेन, बुझे हुए दिए भी जल जाते थे और बादल भी बरसने को मजबूर हो जाते थे। आज की शाम हमें ऐसे ही जादू का इंतजार है, जहां टैलेंट की नहीं मौकों की कमी हो, वहां ऐसे कॉन्टेस्ट सिर्फ एक मुकाबला ही नहीं बल्कि जरूरत है। तो हमारी तरफ से हमारे आज के सारे कंटेस्टेंट को बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड लाइक दे से, मे द बेस्ट मैन विन। ये कहानी पिछले मोड़ से शुरू हुई थी, अगले मोड़ तक जाएगी। सब कुछ एक सपना सा लगता है, जैसे कल ही की तो बात थी। क्या धर्म चाचा, सवेरे सवेरे? ओहो, सवेरा आके तो कदोदा चला गया पुत्र जी, अब तो 12 बज गए। जो 3 बजे सोया उसके लिए 12 बजे तो सुबह ही होगी ना। बरसों पहले तेरे डैडी नू भी इसी तरह उठांदा सी मैं, ओदी शादी तो बाद मेरी ये जिम्मेदारी खत्म हुई। पर तेरी मां दे स्वर्गवास तो बाद ना तेरा डैडी गट्टू ठीक तरह सुता नहीं पुत्र। ओके धर्म चाचा, क्या चक्कर है, डैड मुझसे क्यों मिलना चाहते? ओए, तेरे को कैसे पता चल गया कि मुझे गट्टू ने भेजा है? डैड जब भी मुझसे कोई पंगे वाली बात करना चाहते हैं, आप आधा किलोमीटर पहले मुझे इमोशनल करना शुरू कर देते हैं। क्या बात, क्या है? ओ बात है पुत्र जी, तुम्हारा हैप्पी बर्थडे। ओ पुत्र, तू भूल गया है, आज तुम्हारा हैप्पी बर्थडे और तेरी मम्मी की बरसी भी है। क्या चाचा, हर साल मेरा जन्मदिन सैड नोट पे शुरू होता है, कभी कभी तो मुझे लगता है मुझे पैदा ही नहीं होना चाहिए। ओ चुप है खोते,
ठंड रख पुत्र, ठंड रख, टेके चिल पिल, पागल कहेगा। ओए हमें तो इस बात की खुशी है कि तेरा जन्मदिन है। डैड कहाँ? गुड मॉर्निंग डैड। Hey, good morning, birthday boy. Happy birthday, son. Thank you, Dad. Thanks. वो धर्म चाचा कह रहे थे कुछ आप? हाँ. बेटा मैं तुम्हें हर जन्मदिन पे कोई ना कोई खास तोहफा देता हूँ। इस बार तुम्हें क्या चाहिए? बचपन में मुझे चलना भी नहीं आता था, आपने सारी दुनिया मेरे हाथों में पकड़ा दी। अब किस चीज की कमी है जो जरूरत होगी? बेटा जवानी शुरू होने से पहले ही अरमान खत्म हो जाए, ये अच्छी परवरिश के नहीं महंगी परवरिश की निशानी है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि इस बार तुम्हें क्या देना चाहिए। रियली? या व्हाट? अफ्रीका। अफ्रीका में ट्रांसवाल में हमारे सोने की खाने, यू नो दैट? या सानी, बहुत खूबसूरत जगह है। या दूर दूर तक यू नो सिर्फ नेचर, बियाबान, ना कोई टीवी का शोर, ना डिस्कोटेक, ना लड़कियों का शोर, सिर्फ जंगली जानवर और सोने की खान की मिट्टी की खुशबू, सिर्फ तुम और तुम्हारी तन्हाई। एक मिनट बेटा, मैं तुम्हें उन खानों का सुपरवाइजर बना के भेजना। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ये किस जुर्म की सजा दे रहे हैं डैड? व्हाट डू यू मीन सजा? बेटा मैंने इतनी कोशिश की, यहां रहकर तू कोई काम करता नहीं। हा? काम? हाँ। यू मस्ट बी जोकिंग डैड। अगर हम अपना सारा काम बंद करके यहां बैठ जाए तो भी आपके 6,000 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट हर दिन का 2 करोड़ रुपए आएगा। आपसे किसने कहा था इतना पैसा कमाने के लिए? क्या हमें काम करने की जरूरत ही ना पड़े? जस्ट शट अप, ओके? जिम्मेदारी को समझना ही काफी नहीं होता, जिम्मेदारी को उठाना भी पड़ता है। यहां तुम्हारे लिए हर दूसरा फोन किसी ना किसी लड़की का होता है और तुम्हारी 10 में से 6 गर्लफ्रेंड्स मुझ पर लाइन मारती हैं। अब ये तो आपकी ड्रॉप डेड माइकल डगलस लुक्स, आपका स्टाइल, आपकी पर्सनालिटी। माइकल डगलस बेटा, ये रहा टिकट। या तो तुम कल से ऑफिस ज्वाइन करोगे या फिर अफ्रीका में दिखोगे। द चॉइस इज एंटायरली योर्स। ओ पुत्र जी, कैसा लग रहा है पहली बार ऑफिस जाते हुए? पहली बार स्कूल जाते हुए जैसा लगा था वैसा। ओ ठंड रख पुत्र, ठंड रख, ओ गाना एंजॉय कर, ओ देखिए आना हाय रे सोच। अरे अरे ओए क्या हुआ? अरे क्यों क्यों यार चाचा? तेरी ओए 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 खसमानु खानी है, ओए 50 लाख की गड्डी क्यों इज्जत का फलूदा कर रही है? ओए इससे तो हमारे गुरदासपुर के ट्रैक्टर अच्छे हैं। ये गाड़ी भी ऑफिस नहीं जाना चाहती, देख लिया? ए शाहरुख, ये शाहरुख खान। ए शाहरुख नहीं, रितेगा। ओए और पीछा कर, ओए और डोंट टच, ओए ओए हाथ मत लगाना मेरी गड्डी को, पीछे हट, पीछे हट। ओए खोतिया, हमारी गड्डी बीच रास्ते में बंद पड़ गई है और बाहर कुछ आधे नंगे लौंडे हंस रहे हैं और इधर अंदर तू हंस रहा है, वो फर्क क्या रह गया? चाचा, दुनिया में सारा फर्क ही खिड़की के उस तरफ और इस तरफ का है। अब अगर इन पे हंसने की बजाय हम इनसे धक्का लगवा ले तो बेटर रहेगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मेरी गड्डी को हाथ नहीं लगाएंगे। जोर से, जोर से, जोर से, संभाल के होए। ओए मेरी गाड़ी को संभाल के, संभाल। आपकी लाइफ में जितने धक्के लिखे हैं ना, आप उनका हिसाब पूरा कीजिए, तब तक मैं अपनी बरसों की तमन्ना पूरी करके आता हूँ। ओए बदमाश, अब क्या बदमाशी सूझी है? वो ट्रेन देख रहे हैं चाचा? हाँ, बचपन से उसके बारे में पढ़ा है, सुना है, देखा है, पर कभी चढ़ा नहीं। तू ठंड रख, तू देख ऐसी कोई बेवकूफी ना करना। देख रहे थे तूने आज तक रेलवे स्टेशन पर कदम तक तो रखा नहीं है। चाचा, कदम तो होता ही रखने के लिए है, आफ्टर ऑल पेमेंट टैक्सेस ट्रेन भी तो मेरी हुई ना। आप अपनी गाड़ी बनाइए, मैं अपनी लाइफ बना के आता हूँ। बाय बाय। ओ मेरी बात सुनो खोतिया, और इतक, ओ तू, ओ यार मैं गाड़ी, ओ और रुक जाओ, ओ कंजरो, ओ मेरी गाड़ी, ओ आंटी, आंटी
excuse me. अरे क्या कर रहे हो? अरे 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 क्या कर रहे हो? सुना था कि पीपल फॉल इन लव, लेकिन आज पहली बार देख मिलिया। उसका नाम क्या है? नाम? आई जस्ट सॉ हर। या मैं अगले स्टेशन पे पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक्स, बाय। इधर से बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है? इधर। थैंक्स बाय। थैंक्स बनी, नाइस मीटिंग यू। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। इडियट, देख के नहीं चल सकते? सॉरी, मेरा गिटार गिरा दिया। I'll buy you 10 new ones, okay? What? Hey, it's okay. Take it easy. Relax, Raksha. What relax, Krish? He almost broke the guitar. अरे Raksha, relax. माफ कर दो बेचारे को, उसको होश नहीं है. नया नया इश्क जो हुआ है. क्या? इश्क? हाँ, अरे इतना ताजा आशिक है कि अब तक अपनी महबूबा का सिर्फ चेहरा देखा है, नाम तक नहीं जानता. लेकिन तुम उसकी तरफदारी क्यों कर रहे हो? Raksha, याद है तुम्हें पहली बार देखने के कितने दिन बाद मुझे तुम्हारा नाम पता चला? तुम भी सिली क्रिश. सिली? ये रेलवे स्टेशन है, तुम्हारा लवर्स पॉइंट नहीं। सब लोग देख रहे हैं ना क्रिश। अरे तुम्हें कैसे पता कि हमारे लवर्स पॉइंट में हमें किसी ने नहीं देखा? Shut up, Krish. Just look at the time. अगर आज काम के पहले दिन ही हम लोग लेट हो गए ना, तो कल चने खरीदने के पैसे भी नहीं होंगे। हाँ, I'm gone. Oh, shit. अरे हम इतने लेट कैसे हो गए? यही तो मैं जानना चाहता हूँ, आने की जरूरत क्या थी जी? अरे मुझे एक बीमारी है पंक्चुअलिटी की। मेरे रेस्टोरेंट में गाना सूप से पहले शुरू हो जाता है। सर यकीन मानिए, एक बार ये हमारा गाना सुनेंगे ना, तो एक और सूप ऑर्डर करेंगे सर। क्या? आपके इन सिंगर्स में से ये लड़की कौन है? Raksha। मैं जरा मिलना चाहूंगा, माय कार्ड। जी। देवदर्शन सूरी, कॉन्टिनेंटल म्यूजिक। कॉल मी देव। थैंक्स। बहुत अच्छा गाती हैं आप। थैंक यू। क्या आप कल मुझसे मेरे ऑफिस में आके मिल सकती हैं? ऑफ कोर्स। ओह वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। ओके, आई मस्ट लीव राइट नाउ। दरअसल कल इस शहर में ट्रांसफर पर आया हूँ, सो लॉट्स टू डू। ओके, कल सुबह 10 बजे एट माय ऑफिस। एट योर ऑफिस। ग्रेट, या कूल, बाय 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 बाय। देवदर्शन सूरी, कॉन्टिनेंटल म्यूजिक। डू यू रियलाइज व्हाट दैट मींस? इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। मेरे यहाँ गाओगे तो ऐसे कई लोग आएंगे जो कार्ड देकर जाएंगे। वो तो ठीक है चंद्र साहब, लेकिन फिलहाल ये देखते हैं कि ये कार्ड हमें कहाँ ले जाता है। एक्सक्यूज मी, आप मुझे बता सकती हैं ई ब्लॉक कहाँ है? हाय, आई एम रचना। एक्चुअली हम लोग अभी अभी यहाँ शिफ्ट हुए हैं। कैन यू टेल मी व्हेयर इज द ई ब्लॉक? भैया कहाँ थे आप? क्यों, क्या हुआ? सामान पहुँच गया ना? वो तो पहुँच गया, लेकिन देखिए ना, ये ई ब्लॉक मिल ही नहीं रहा है। कब से ढूंढ रही हूँ। कमाल का शहर है, पूरी की पूरी बिल्डिंग गायब हो जाती है। और लोगों की तमीज भी। हे ब्रदर, आ गई तुम्हारी सवारी। स्पीड लिमिट तोड़ने के लिए तैयार? सॉरी गौरव, मैंने तुम्हारा व्हीलचेयर इस्तेमाल किया। चलो कम, प्लीज गेट अप, आराम से। उप्स, ओके एंड नाउ आर यू ओके? ऋतिक को ऑफिस पहुंचाने की जिम्मेदारी मैंने आपको सौंपी थी, और वो एक भी दिन ऑफिस नहीं आया है। कहां है वो? ओ ठंड रख गट्टू। ओ फॉर हेवन सेक चाचा, गट्टू नहीं, गट्टू नहीं, सीधे सीधे गौतम नहीं बोल सकते आप? चाचा मैं, हाँ मुझे मालूम है, अब तू बड़ा हो गया है। हाँ। खोता है?
ओए ताजी खबर ये है कि हमारे ऋतिक पुत्र को इशक हो गया है। इश्क? ओ खोता कहीं का। ओ कहता चाचा पहले इश्क जमा ले, ओ काम तो बाप का जमा जमा है। इश्क हो गया है? कब, कौन, किसे? ओ ठंड रख गट्टू, ठंड रख, लड़की है। जन्मदिन के दिन लोकल ट्रेन में ऋतिक पुत्र का दिल गुब्बारा हो गया। गौतम मित्तल के बेटे का लोकल ट्रेन से क्या वास्ता? अजीब अजीब लोगों को अजीब अजीब सवाल करने का मौका मिल जाता है। बोलो, तुम सुनती नहीं हो सैंड्रा डार्लिंग? पर कौन सैंड्रा? देखिए मिस्टर सैंड्रा। हाँ बोलिए मिस्टर सिंह। हाँ क्या बेचते हैं आप? कुछ नहीं। आपसे इनकी जान छुड़ाने का क्या 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 खरीदना पड़ेगा? मैं बोलिए बोलिए। टिकट, पास, ट्रेन, हेलो, प्लेटफॉर्म, स्टेशन, इंडियन रेलवे। बिना टिकट का 500 रुपीज फाइन। फाइन 500 रुपीज फाइन के और 500 रुपीज जान छोड़ने के। ओके, कीप द चेंज। नो, गिव हिम द चेंज। आई गिविंग 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 द चेंज। आपको आपके 500 रुपए मिल जाएंगे। मैं उधार नहीं रखती। सैंड्रा, hey, सैंड्रा, लिसन। अगर आप मेरा पीछा करने के बजाय अपना नाम और पता दे दे तो मैं आपको आपके 500 रुपए कल तक पहुंचा दूंगी। कल किसने देखा है? अगर आप मुझे आपके घर तक आज छोड़ने दें तो आज ही आप मेरे पैसे वापस कर सकती हैं। What? मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप अगर मेरे पैसे नहीं वापस करेंगी तो सो पाएंगी। राइट सैंड्रा? रॉन्ग। मेरा नाम जोजो है, सैंड्रा नहीं। जोजो? गॉड से जोजो मांगा, जोजो मिल गया। बैठिए। ये आपकी गाड़ी है? हाँ, क्यों, पसंद नहीं आई? 8-10 और है, कल कोई और ले आऊंगा। मुझे ऐसी गाड़ियों में बैठने का कोई शौक नहीं है। इस पतली गली में मैं आ तो गया हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं यहां से निकल पाऊंगा। मुझे लगता है आप भी नहीं निकल पाएंगे। Let me help you. Thank you. अरे ये जोजो किसके साथ चली आ रही है? पहली बार किसी लड़के के साथ आ रही है। थैंक गॉड नॉर्मल है। नॉर्मल? जितनी बड़ी गाड़ी है उतना ही बड़ा फ्रॉड होगा ये। आई टेल यू, मैन ओनली वांट वन थिंग। जो ये आप मेरे साथ साथ क्यों चल रहे हैं? क्योंकि आपके ठीक आगे या ठीक पीछे चलना शायद अच्छा ना लगे, इसलिए। हाँ ये आपकी फैमिली है ना? हाँ नाइस, लुक्स नाइस। नाइस नहीं, वेरी नाइस। हाँ वेरी नाइस। फिलहाल आप इधर खड़े रहिए, मैं पैसे लेकर आती हूँ। सुनिए, आप सच में मेरे पैसे वापस कर रही हैं? मतलब हम दोबारा कब मिलेंगे? दोबारा जब आप लोकल ट्रेन के लेडीज कंपार्टमेंट में सफर करेंगे तब। हाँ
अच्छा है क्या? कार कार अच्छा है। लड़का भी देखने में ठीक ठाक है या बहुत क्यूट है ना? देखने और होने में बड़ा फर्क होता है। आई टेल यू मेन ओनली वॉन्ट वन थिंग। अरे ये तो गया। कौन? हाँ गाड़ी। अरे जाने दो, अच्छा ही हुआ तुम अपनी बेटी को संभालो। क्यों? I tell you, men only want one thing. रचना, रचना। जी, बोलिए, क्या हुआ? कितनी बार कहा है तुमसे ये तस्वीर बाहर मत निकाला करो। भाभी की मौत का मतलब उसकी यादों की मौत नहीं है भैया। पूना छोड़कर बंबई आ चुके हैं हम लोग, मगर हमारा आज कब तक तुम्हारे गुजरे हुए कल से भागता रहेगा? जिंदगी को एक मौका और दो। कभी मैं भी गाया करता था, मगर अब सिर्फ सुनता हूं। लेकिन बहुत ध्यान से सुनता हूं, और मेरे कान मुझे यह बता रहे हैं कि यह आवाज सिर्फ तुम्हारी बीवी की नहीं, एक होने वाली बहुत बड़ी स्टार की भी है। She's on. वेरी गुड, बहुत अच्छे गौरव। लेकिन अभी बस टाइम फॉर बेड। हर वक्त दरवाजा खुला कैसे? ओप्स, आई एम सॉरी। आप? आपके नए पड़ोसी? आजकल गौरव तभी वायलिन बजाता है जब वो खुश होता है। गौरव तो वाकई में बहुत अच्छा वायलिन बजाता है, अगर वो चाहे तो। चाहे तो गौरव क्या चाहता है ये शायद वो खुद भी नहीं जानता। दरअसल वो कुछ भी नहीं चाहता, वो जिंदा है क्योंकि क्योंकि मैं उसे मरने नहीं देती। लेकिन ऐसा ऐसा क्या हुआ? तुम विश्वास नहीं करोगी, पर जिंदगी गौरव का दूसरा नाम था। उसकी मस्ती, उसका हंसना, उसका गाना, हर बात में उस हादसे में गौरव के जिस्म पर तो कोई चोट नहीं थी, पर उसे ये यकीन हो गया, ही स्टार्टेड बिलीविंग कि वो चल नहीं सकता। उसे अपने जिंदा होने से शिकायत है। I'm sorry, न जाने मैं क्या क्या कह गई। हम एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं, नहीं जानते मैं... शायद इसीलिए इतना कुछ कह भी सकें आप। अक्सर अनजानों के सामने दिल का गुबार निकाल देना ज्यादा आसान होता है। मैं समझ सकती हूँ गौरव को, जिंदगी से जब प्यार निकल जाए तो जिंदगी अपाहिज हो ही जाती है। हाय, लेट हो गए? कल अगर बिना पैसे लिए नहीं निकलते ना तो यहाँ इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ती। नो प्रॉब्लम्स, माय प्लेजर एनी टाइम। ये लो तुम्हारे 450। हाँ? 500 रुपए लेकर निकली थी लेकिन पास रिन्यू करवाना पड़ा। किराए बढ़ गए, अगर ऐसे किराए बढ़ते रहे तो हम जैसे लोग सफर कैसे करें?
करेंगे? मर्सिडीज से, बीएमडब्ल्यू से? या वेरी फनी। कल यही आओगे ना, यही रुकोगे ना मेरे लिए? हाँ, 50 तब ले लेना। ब्लडी ऑटो। ऑटो? हे चलिए। ए जोजो, लिसन टू मी। सेंट इग्निशियस रोड। जोजो, अरे सुनो, जोजो तुम बीएमडब्ल्यू छोड़ के ऑटो में जाओगी? आपने सुना नहीं, सेंट इग्निशियस रोड, चलो। जोजो, इसका तो सारा हिसाब किताब ही उल्टा लगता है। सॉरी, हम थोड़ा सेलिब्रेट कर रहे थे। और मैं दुनिया का पहला आदमी हूँ जो खुद का नुकसान सेलिब्रेट करने यहाँ आया। ऑल द बेस्ट। अरे नुकसान तो हमारा होगा अगर हम अपने मैनेजर को यहाँ से जाने दें तो। मैनेजर? हाँ, रक्षा इनसे मिलिए, ये हैं आपके नए मैनेजर मिस्टर चंद्रू चलारामानी। क्या? या अब रोज इंतजार करते हैं मेरा, आज मैं लेट हो गई, पता नहीं कहाँ चले। वो आया था, वो मर्सिडीज वाला, आपने देखा था उसे? इसमें हंसने वाली क्या बात है? लेट तो नहीं हुआ? ऑटो रिक्शा में क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें मेरी गाड़ियों से प्रॉब्लम है इसलिए मैंने ऑटो रिक्शा खरीद ली। हाँ, खरीद लिया? हाँ, मुझे किराए की गाड़ियों में बैठने की आदत नहीं है ना, हमारा हवाई जहाज भी घर का ही है, इसलिए मैंने खरीद ही डाली। वैसे आई टेल यू समथिंग, गाड़ी खरीदना आसान है बट ऑटो रिक्शा टाइम डिफिकल्ट, इसीलिए लेट हो गया। इतनी तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं थी। एनीथिंग फॉर यू जोजो। हाँ, अब तो तुम्हारी फेवरेट सवारी भी रेडी है, तो एक कप कॉफी के लिए चलें, ताज चलते हैं। हाँ, उस एरिया में ऑटो रिक्शा अलाउड नहीं है। मैं तुम्हें ले चलती हूँ एक ऐसी जगह जहाँ ताज से कॉफी बेहतर और सस्ती भी होती है। क्या हुआ? कुछ नहीं। गरम है? नहीं, कॉफी है, गरम तो होगी। डोसा। थैंक यू। हाँ मामा, ये क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं, कैसे, मेरा मतलब है कहाँ से शुरू करें? तुम वहाँ से शुरू करो, मैं यहाँ से शुरू करती हूँ, बीच रास्ते मिल जाएंगे। ओके, तो बीच से क्यों ना शुरू करें? हाँ। देखने वाली शक्ल थी, कॉफी शर्ट पे और डोसा मुंह में। I tell you, it was a sight. अरे अब मैंने ऐसा क्या कह दिया जिसे सुनकर आपका मुंह ही लटक गया? 25 साल पहले ऐसे ही एक लड़के ने मेरे घर आकर कॉफी गिराई थी, उसे बच्चे की तरह हड़बड़ाता देखकर मेरा दिल पिघल गया, न वो कॉफी गिरती, न मुझे प्यार होता और न मेरा दिल टूटता। आंटी, ये हर चीज घूम फिर कर आपकी जिंदगी का हादसा कैसे बन जाती है? मैं अपनी जिंदगी मस्ती से जी रही हूँ, तो आपको परेशान होने की क्या जरूरत है? मस्ती जिंदगी में चाहे जितनी कर लो बेबी, बट रिमेम्बर, मैन ओनली वॉन्ट वन थिंग। क्या हुआ? Can we have some more coffee, please? क्या बात है क्रिश, आज कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहे हो। हाँ, क्योंकि आज लाइफ में पहली बार आने वाले बिल्स के अमाउंट चेक अमाउंट से कम है। बीवी, तुम स्टार बन गई हो और अमीर भी। सिर्फ मैं नहीं, हम कहो। हाँ, लेकिन ये सारे पैसे तो तुम्हारे ही है ना, मैं इन्हें संभालने की पूरी कोशिश करूंगा, सारे हड़प लूंगा। अरे, अरे, अरे। हम फिलहाल जैसे भी हैं खुश है ना। और वैसे भी एक कामयाबी एक सपना सा है जो कभी भी टूट सकता है। हे बीवी, खुली आंखों से सपने नहीं सच्चाई देखी जाती है। छोड़ सबको, पहले ये बताओ कि तुम सबसे पहले क्या खरीदना चाहती हो? व्हाट डू यू वांट टू बाय? एक ऐसी खिड़की जिसके बाहर का आसमान साफ दिखाई दे। नो प्रॉब्लम, लेकिन ये है चैप्टर 2, क्या है कि ढूंढने में थोड़ा वक्त लगेगा। कोई ऐसी चीज बताओ जिसे फौरन पेश किया जाए।
हाँ वो क्या है ना क्रिश, आजकल लोग जरा पहचानने लगे हैं और ऑटो मिलने में भी बहुत मुश्किल होती है। हे, बेवजह ऑटो पे इल्जाम मत लगाओ। हाँ क्रिश, तुम्हारी तेज रफ्तार का मुकाबला बेचारा ऑटो कैसे करेगा? जी कुरियर, यहाँ साइन कीजिए। क्या है? पार्सल। कहाँ है? नीचे। नीचे? तो ऊपर क्यों नहीं लाए? ऊपर नहीं ला सकता, डिलीवरी डाउनस्टेयर्स मैडम। थैंक यू। ऑर्डर की थी, आज डिलीवरी हो गई। ये मेरी गाड़ी है? ये गाड़ी भी आपकी है और ड्राइवर भी। क्रिश, आई लव यू क्रिश। वाओ! क्रिश, क्रिश, प्लीज ड्राइव स्लोली। कितनी फास्ट चला रहे हो? अरे जब जिंदगी की रफ्तार ही तेज हो तो ब्रेक पर पांव रखना भी पाप है। शट अप। हम जा कर रहे हैं। ये तो बड़े लोगों की एरिया लगती है ना? हाँ हनी, आजकल तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि बस इसी जगह फिट होगी। हम घर जा रहे हैं सीधा। घर? Chapter 2। लेकिन ये तो बहुत बड़ा है क्रिश, क्या करेंगे? रहेंगे। कितना हुआ? 10 रुपया। परेशानी होती है जैसे तुम्हें देखकर होती है। आप दोनों ने अपने गुजरे हुए कल को इतनी बुरी तरह से जकड़ रखा है कि आपका आज किस तरह अपने हाथों से फिसला जा रहा है महसूस ही नहीं होता। गुजरे हुए कल से ज्यादा मेरी परेशानी यह है कि जो मेरी छोटी सी बहना है उसमें ना जाने कहां से मेरी दादी की आत्मा आ गई है और वो मुझे ये। भैया मैं सीरियस हूं। मेरे या गौरव के बारे में? तुम्हें गुस्सा सिर्फ उसी पर आता है जिसकी फिक्र होती है तुम्हें। चाहती हो उसे? पता नहीं। जब जब गौरव इस तरह से वायलिन बजाता है ना तो अंदर से गहरी सी टीस उठती है
इस शहर में भी? लगता सारे इलाके की बिजली गई है। मोमबत्ती है? नहीं। मैं देव। हाँ हाँ आ रही हूँ, वन मिनट। हाय गौरी। हाय देव, आओ ना, कम कम इन। नहीं बस एक कैंडल चाहिए थी। सॉरी। इट्स ओके। दरअसल ये चौखट जरा टेढ़ी है। मैं तो यहाँ रोशनी में भी ठोकर खाकर गिर जाती हूँ। फिर अब तो वो एक कैंडल चाहिए थी। यही रुकिए, मैं अभी लाती हूँ। ये लीजिए। थैंक यू। I'm so sorry. क्या हुआ? यूं ही बस कुछ पुरानी यादें ताजा हो गई थी। जब मैं पहली बार पायल से मिला था तो पायल मेरी बीवी। आपकी बीवी नहीं रही, पिछले साल कैंसर। I'm so sorry. It's okay. पता नहीं अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। नो प्रॉब्लम। जब गौरव के मन पर बोझ पड़ जाता है तो उसे भी इसी तरह संभालने की आदत है। मुझे दर्द को बांटने के लिए उसे गहराई से महसूस करना बहुत जरूरी है। तुम्हारी तरह धैर्य और दर्द से दोस्ती करने की कोशिश करूंगा। अब इसकी जरूरत नहीं। नहीं नहीं रख लीजिए, यहाँ लाइट कहकर नहीं जाती। और शायद बिना कहे दोबारा आने का मौका मैं खोना नहीं चाहता। या थैंक्स। क्या सब ठीक है ना? वो पहली बार तुम अपनी फैमिली से मिला रही हो। हाँ? इसीलिए फैमिली से मिला रही हूँ। तो स्कूल के बाद कभी एग्जाम नहीं दिया, थोड़ा सा नर्वस हूँ। कम ऑन, डोंट बी नर्वस। बट मेरी फैमिली में एक प्रॉब्लम है। क्या? यही कि वो कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली है। सनी बॉय, वेलकम। दैट्स माय डैड जो डिसूजा। हाय हाय या हाय मॉम। हाय मॉम। ऋतिक सनी बॉय, आपकी खुशी मुझे भी महसूस हो रही है। मामा, माय मदर सनशाइन डिसूजा। ओके चलो। गुड बॉय। अरे मेरा पूछी बॉय, घर के बाहर तक आके चला जाना ठीक नहीं होता है। मैं तो जोजो को बोल रहा था। बोला था ना जोजो? ग्रैनी ग्रैनी फ्लोरा डिसूजा। ओके ग्रैनी बिना। आंटी ऋतिक, मिस डिकोस्टा, माय नेबर। मैन ओनली वांट शैमन। हे सनी बॉय, बार खुलने का टाइम हो गया। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। यस दिल पर दिल से प्यार। इतना प्यार तुम कैसे पचा लेती हो रोज? ये तो कुछ नहीं है, फिलहाल तुम अपने हाजमे की फिक्र करो, क्योंकि आज शाम माँ तुम्हें खाना खिलाना बंद नहीं करने वाली। डैडी पिलाना और ग्रैनी कहानियाँ सुनाना। और ये मेरा होने वाला हस्बैंड मुझसे शादी करोगी पूछने के बजाय कहने लगा मेरे साथ डिनर पे चलोगी, मेरे साथ बीच पे चलोगी,
और मुझे ये डर कि अगर ये मुझसे पूछेगा नहीं तो मैं हाँ कैसे कहूंगी. And I too will just die to say yes and I shall drink to that. Amen. और फिर नहीं आपकी शादी तो हुई ना फिर. इसका मतलब ग्रैंडपा ने आपसे पूछा तो हो गई. व्हाट पूछा? पूछवाना पड़ा बस मामा. Come, boy. Let's have some more drinks on the house. Come. बेटे, जब जिंदगी का ही नशा ज्यादा होता है तो सोबर होने के लिए और दारू पीना पड़ता है. Tell me when to stop. That's it. Cheers. देखा ना है रे, सोचा ना है रे, रख दी निशाने पे जान. लगता है इस यंग मैन ने तुमसे ज्यादा तुम्हारे फादर के साथ दोस्ती किया है. यही अरमान. हे डोले डोले डोले. जस्ट लुक एट दैट. अरे अरे यहू. क्रिस साहब. जी साहब. साहब चाबी. चाबी आपके फ्लैट की. अभी अभी मैडम कहीं बाहर गई हैं तो आपके लिए मेरे पास चाबी छोड़ गई. बाहर गई हैं इस वक्त. सॉरी डार्लिंग, नाराज मत होना. ओके, आज रिकॉर्ड किए गए गाने में कुछ गड़बड़ हो गई है और कल फाइनल मिक्सिंग है, इसलिए आई हैव टू गो. जल्दी आ जाऊंगी. डार्लिंग, खाना ठीक से खा लेना. सब कुछ तुम्हारी पसंद का बनाया है मैंने. ओ बीवी, तुम्हारे बगैर मेरी पसंद का कुछ भी नहीं है. जब मैं रोकने के लिए वहां ना रहूं तो पीने की बेवकूफी मत करना. बीवी, तुम मुझे रिमोट कंट्रोल कर रही हो. सपनों में भी पीछा नहीं छोड़ूंगी. सपने तो तब देखूंगा जब मैं सोऊंगा ना बीवी. मुझे छोड़ के गई ना तो मैं तुम्हारे स्टूडियो में बम लगा दूंगा. और मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी. क्रिश, मैं सिर्फ तुम्हारी बीवी बन के रहना चाहती हूँ. सिर्फ बीवी. I know, honey. ऐसा कुछ करना पड़ेगा ताकि तुम बीवी भी रहो और स्टार भी. I love you, honey.